हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल दैट इज सीरो स्टूडियो। अक्सर ये होता है कि स्टेफी मेरे पास आती है शूट के लिए। आज फॉर अ चेंज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं स्टेफी के पास चली जाऊँ। तो स्टेफी और मैं आज कुछ रेसिपी शेयर करने वाले हैं आप लोग के साथ में। ये रेसिपी पुराना नहीं है, नया भी नहीं है। जिनको पता है उन सब के लिए एक थम्स अप, और जिन्होंने जो ये पहली बार देखेंगे उन लोग रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। रेसिपी क्या है ये सब स्टेफी बताएगी। स्टेफी आज हम क्या करने वाले हैं? तो आज हम मलाई से घी निकालने वाले हैं और उसका रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये रेसिपी कैसे होता है। तो यहाँ पे स्टेफी की मम्मी ने थोड़ा सा मलाई कलेक्ट करके रखा है डेली का। इन लोग जो पैकेट मिल्क है उसको बॉईल करते तो उसके ऊपर जो लेयर आता है उस वो निकाल के 8 डेज कलेक्ट किया है और 9th डे पे इतना मलाई निकला है। ओके, तो ये जो ये फ्रीजर में रखते हैं? हाँ, फ्रीजर में रखना है इसको। ओके, तो ये जो मलाई है ये 8 डेज का मलाई है। 8 दिन जो मलाई हमें दूध उबालते वक्त मिलता है वो मलाई को कलेक्ट करके डब्बे में डाल के रखा है और इसे डेली जैसे मलाई निकलता है उसमें डाल देते, स्टोर कर देते और फ्रीजर में वापस रख देते। तो यही सेम प्रोसेस 8 डेज तक हो जाता है। अभी लगता है मुझे ये 1/2 लीटर का मिल्क पैकेट नहीं रहेगा, कितना पैकेट करेगा? 2 लीटर शायद से, 2 लीटर का पैकेट होगा मिल्क का, तब जाके वो 8 दिन में इतना मलाई कलेक्ट हो गया। तो इसी मलाई से अभी हम बनाएंगे घी। तो यहाँ पे एक नॉनस्टिक पैन लिया है, इसमें जो भी मलाई कलेक्ट किया था स्टेफी की मॉम ने वो सब मैं इसमें डाल रही हूँ। स्टेफी, तो अभी हम लोगों ने सब चीज़ को जो भी मलाई था जितना भी था उसको ट्रांसफर कर दिया इस नॉनस्टिक पैन में, ट्रांसफर कर दिया है। अब इसे क्या करना है? सिर्फ मिक्स करना है। अब इसको स्टर करते रहना है, स्टर करते रहना है ऐसा ना? ठीक है, गैस का फ्लेम कितना रहेगा? लो फ्लेम? हाई फ्लेम में रखना है। ओके, तो ये ऐसे स्टर होते होते अपने आप मेल्ट हो जाएगा ना? हाँ, इसका घी छूटने लगेगा मलाई में से। ओके ओके, तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है हमने मलाई ट्रांसफर कर दिया है और ट्रांसफर करने के तुरंत ही बाद यहाँ पे थोड़ा सा ये मेल्ट मलाई जो है वो मेल्ट होते हुए भी दिख रहा है। इसे हम ऐसे स्टर करते रहेंगे और फ्लेम भी इसका भी फिलहाल हाई रखा है। हाई मिक्स करके लगभग 10 से 15 मिनट हो चुका है। सफी, अभी लाइक कैसा है, मतलब फॉर्म हो रहा है क्या? अभी इसका जो घी है ना वो छूटने लगा है, जो साइड में बाउंड्रीज में दिख रहा है, जो बाउंड्री में है वो घी छूट रहा है ना? घी है। हाँ, और ये जो भी मलाई है सेंटर में कलेक्ट, ये सेंटर में और छोटा छोटा होते जाएगा अभी। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं जो घी जो है बाउंड्री में पूरा फॉर्म हो रहा है, मतलब मलाई से घी छूट रही है और ये जो भी मावा बोल सकते हैं, ये जो भी मलाई है वो सेंटर में फॉर्म हो जाएगा, जिसका हम पेड़ा या बाद में बर्फी बना के भी खा सकते हैं। तो आपको कंटिन्यूस इसे 15 मिनट के बाद भी स्टर करना है, जब तक ये बबल्स ऐसे ना आ जाए आपको धीरे धीरे इसको आराम से स्टर करते रहना है ना? अभी स्टेफी की मोम के गाइडेंस के हिसाब से हमारा जो है ये ऑलरेडी हो चुका है, घी भी निकल चुका है और मावा भी आ गया है। अभी हमने फ्लेम को भी ऑफ कर दिया है, तो इस वक्त अभी हम फिल्टर करेंगे घी और मावा को सेपरेट सेपरेट, है ना स्टेफी? हाँ, हाँ। तो यहाँ पे जो है घी नीचे आ चुका है और मावा जो भी है वो ऊपर कलेक्ट हो चुका है। वाओ, तो इसी मावे से आप चाहे तो पेड़ा भी बना सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे मावा भी कलेक्ट हो गया है स्टेफी, मावा भी कलेक्ट हो गया है और घी जो है हमें प्योर घी, होममेड घी जिसे बोलते हैं, वो यहाँ पे हमें मिल चुका है। तो इसी तरह मेरी आंटी जो है स्टेफी की मॉम घी बनाती है घर पे और यहाँ पे जो है इस जो भी मलाई जो हमें मिला है, मावा मिला है, उसका भी वो पेड़ा भी बना के दिखाएंगे। तो हमें जिस तरह से घी और मावा सेपरेट कर दिया है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो मावा है उसी मावा का अभी हम पेड़ा बनाने वाले या फिर बर्फी। ये सब जो है मैं मेरे आंटी के गाइडलाइंस यूज़ कर रही है, वो मुझे गाइड कर रही है कि किस तरह से करना है। तो यहाँ पे हमने शक्कर ले लिया है, शक्कर आपको आपके स्वाद अनुसार लेना है। यहाँ पे फिलहाल हमने 4 से 5 चम्मच लिया है जो मैं अभी इसमें मिक्स कर रही हूँ। इसको आपको सबको मिक्स करना है प्रॉपरली, मावा और शुगर शक्कर जो है एक साथ मिक्स हो जाए। गैस का फ्लेम जो है आपको स्लो रखना है, लो फ्लेम में रखना है आपको और इसको मिक्स करना है। तो यहाँ पे जो है हमारा शक्कर जो है मिक्स हो चुका है मावा के साथ में। यहाँ पे 4 से 5 इलायची लिया है जिसे हमने पाउडर करके रख दिया है, ये इलायची का पाउडर भी अब हम इसमें मिक्स कर देंगे। तो हमें अच्छा फ्लेवर मिलेगा जब हम ये पेड़ा या मावा खाते वक्त, एक अच्छा एक स्मेल आएगा वो होगा इलायची का। तो यहाँ पे प्रॉपरली इलायची, शुगर और ये मावा जो है एक साथ मिक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पेड़ा जो है, बर्फी जो है रेडी हो चुका है। अभी हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे
और इसे हम सेट करने के लिए रख देंगे। जिस शेप में चाहे आप उस शेप में रेडी कर सकते हो। यहाँ पे बहुत स्वीट यमी सा टेढ़ा रेडी है, इसे अभी हम सेट करने के लिए इसमें डाल देंगे। और यहाँ पे हमारा घी और मावा वाला जो रेसिपी है एंड होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा जो है मावा का पेड़ा भी रेडी हो चुका है और घी जो होता है होममेड घी वो भी रेडी हो चुका है। घी तो अगर हम बाहर से खरीदते तो सिर्फ घी मिलता है, हमें मावा नहीं मिलता। यहाँ पे हमें घी भी मिला है और पेड़ा जो है बर्फी खाने भी मिल चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को क्या करना है आपको सबको पता है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, सब्सक्राइब चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप राइट साइड में लोगो देख सकते हो, लोगो पे क्लिक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आया तो शेयर भी ज़रूर करना। टिल देन विल कम बैक विथ न्यू स्टोरीज न्यू वीडियो। कीप वॉचिंग सीरो स्टूडियो। बाय बाय।